Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां विंग्स से रंग है यहां लिए हाथों में हाथ देख दीजिए का साथ अपने जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियां ना हो कम रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां हम में है कुछ मैजिकल जैसे खुशियों के शावर है हंसी हर लम्हा जिंदगी इस जी भर के जी लो अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो हमसे है ये जहां विंग्स से रंग है यहां लिए हाथों में हाथ देख दूजे का साज अपने जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियां पिछले एपिसोड में आपने देखा विंग्स ने क्लाउड टावर के क्वाटिक्स को बचाने की कोशिश की अपनी पावर्स को मिलाकर कन्वर्जेंस मैजिक बनाया लेकिन मैजिक काम नहीं कर पाया और उनका स्पेल उल्टा हो गया आईसी स्टॉर्मी और डार्सी ने क्वाटिक्स लिया और भाग गए अब सिर्फ क्वाटिक्स का आखिरी पीस बाकी है ब्लूम तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डार्कर को हम पर हमला किए हुए काफी टाइम गुजर चुका है तो अब सुकून महसूस कर रही हो ना हाँ कुछ ज्यादा ही जैसे तूफान से पहले सुकून महसूस हो रहा है ट्रिपल ब्लास्ट या, या, या। ऐसा क्यों हुआ ये तो मैं भी नहीं जानती जब से डार्कर आया है मेरी पावर्स कम होती जा रही है इसके पीछे कोई तो वजह होगी मैं क्या करूं? मेरी बात मानो तो तुम्हें अब इस ट्रेनिंग से ब्रेक लेना चाहिए लेकिन मैं तो एक पत्थर भी ब्लास्ट नहीं कर पा रही मैं उन ट्रिक्स को कैसे रोक सकती हूँ आज नहीं तो कल वो हमारे सीक्रेट आर्काइव ढूंढ लेंगी उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है सीक्रेट आर्काइव को ढूंढना इम्पॉसिबल है काश ऐसा होता प्रोफेसर मैं जानती हूँ वो कहाँ है अनति से वहाँ चली गई थी इस बात को रास रखना बहुत मुश्किल है तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा ब्लूम और वादा करो कि सीक्रेट आर्काइव के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगी यहाँ तक कि मुझे भी नहीं Hey, क्या तुमने लैला को देखा काफी बदल गई है वो एक्सक्यूज मी क्या आप में से किसी ने टेक्ना को यहाँ देखा है मैं तुम्हें जानती तो नहीं हूँ पर हाँ टेक्ना को देखा है और तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि वो तुमसे ना मिलने के बहाने तलाश कर रही है हाँ समझ नहीं आता मैं इन फेरीज को कभी समझ नहीं पाऊंगा ओ हाँ हाय टेक्ना अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो हम दोनों बात कर सकते हैं अभी नहीं ऑफ कोर्स मुझे टिमी से बात नहीं करनी और मैं ऐसे लड़के से बात क्यों करना चाहूंगी जो इलॉजिकल है लेकिन उसने आखिर किया क्या है क्या है जो उसने नहीं किया है कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा शर्माता है फ्लोरा उसे स्पेशलिस्ट होना चाहिए एक हीरो की तरह ये शर्माना एक्चुअली एक बहाना है अगर वो वाकई कुछ करना चाहता है तो करके दिखाए तुम्हें फिनिक्स की पावर्स से नुकसान हो सकता है क्योंकि तुम्हारी ड्रैगन पावर्स उसके ऑपोजिट हैं इसी बात का डर है मुझे अगर तुम अपनी ड्रैगन पावर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो तो तुम डार्कर की पावर्स का मुकाबला आसानी से कर लोगी आपको लगता है मैं कर सकती हूँ इस बात का जवाब तुम्हारे पास्ट में ही है मगर उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए ओह नो कुछ गलत हो गया तो हम क्या करेंगे मेरा यकीन करो ऐसा कभी नहीं होगा मगर इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा ब्लूम अगर मैं कामयाब हो गई तो मेरी पावर्स डार्कर और उसकी स्पाइस का मुकाबला कर पाएंगी हाँ क्यों नहीं जरूर कर पाएंगी मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी स्वीटी फिकर मत करना ठीक है अपना ख्याल रखना मैं इसके लिए तैयार हूँ प्रोफेसर शुरू करते हैं
यही उम्मीद थी मुझे तुमसे ब्लूम। मैं जानता हूँ कि तुम ये कर लोगी, और हम सब जानते हैं कि हर मैजिकल जर्नी का रिजल्ट कमाल का होता है। क्या आप सब थोड़ी देर बाहर इंतजार कर सकती हैं, क्योंकि मेरी कॉन्सेंट्रेशन खराब हो रही है। तुम ठीक हो ना? सोम्नियोफैलेक्स। तुम कहाँ हो ब्लूम? मैं आसमान में हूँ प्रोफेसर। ओह, एक मिनट रुके, वहाँ नीचे कोई है। ये तो मेरे अर्थ पेरेंट्स हैं। क्या मैं इन्हें जाके हेलो कहूँ? मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी और पीछे है। ये क्या हो रहा है? मेरे बर्थ पेरेंट्स, मदर, फादर, क्या आप लोग हैं? आप लोग मुझे सुन सकते हैं ना? वो ड्रैगन? ओ नहीं, मदर, फादर, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं वापस आ गई प्रोफेसर? पहले ये बताओ कि हुआ क्या था? वेल, सब कुछ बहुत धुंधला था। पहले मैं गार्डिनिया में थी, उसके बाद मैंने अपने बर्ड पेरेंट्स को देखा, फिर वहाँ पर एक ड्रैगन आ गया जिसकी आंखें बहुत ज्यादा चमकदार थी। मुझे बस इतना ही याद है, आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि तुमने खतरनाक सफर को बहुत आसानी से पार कर लिया है। गुड वर्क ब्लूम। वेल थैंक यू। क्या मैं अपनी न्यू पावर्स टेस्ट कर सकती हूँ? मुझे लगता है तुम इस काम में बहुत जल्दी कर रही हो, बाद में करना। ठीक है प्रोफेसर, जैसा आप कहें। काम की बात पूछने दो, तुम्हारी मॉम ने क्या पहना हुआ था? मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि मैंने अपने पेरेंट्स और ड्रैगन को देखा। अगर तुम बेटर फील नहीं कर रही थी तो वापस आ जाती, लेकिन नेक्स्ट टाइम सब कुछ याद रखना प्लीज। कितना थक गई हो तुम। हे, कल मैंने एक नया डांस ट्रैक रिकॉर्ड किया है, क्या कोई सुनना चाहेगा तुम में से? मैं भी आ रही हूँ। क्या हुआ ब्लूम, तुम उदास क्यों हो? पता नहीं, अपने पेरेंट्स और ड्रैगन को देखना काफी एक्साइटिंग था, लेकिन अपने अर्थ पेरेंट्स को देखना अजीब था, जिन्होंने मुझे पाल कर बड़ा किया और उन्हें मैं हाय भी नहीं कह सकी। वो समझ जाएंगे तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम्हें जाके अपनी लाइफ का दूसरा पार्ट देखना चाहिए था। थैंक यू लॉकेट। क्या तुम्हारी पावर्स काम कर रही है? मुझे नहीं पता, अभी मुझे प्रोफेसर एवलॉन ने इजाजत नहीं दी, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। क्या ये करना ठीक है? आखिर इसमें बुराई ही क्या है? मैजिक विंग्स। हे, मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। शायद टेक्ना हॉस्टल हॉल में है। ब्लूम, क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? आज तक इससे पहले कभी ठीक नहीं हुई। Hey guys, क्या तुमने टेक्ना को देखा है? वो मुझसे नाराज है, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं लगता वो नाराज है। क्यों ना हम उसे मिलकर ढूंढें, क्या कहते हो? ये तो अच्छा आइडिया है। Well, मेरे प्यारे टिमी, टेक्ना ने दुनिया को उलट कर रख दिया है, अब तुम्हें भी इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। कैसा लग रहा है टिमी? अच्छा मजाक था, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे अपने पैरों पे चलना पसंद है। ओह, माफी चाहती हूँ मैं। ब्लूम नहीं। और कुछ? ये क्या किया? प्लीज ब्लूम, इसे नीचे उतारो। ये क्या कर रही हो? तुम चाहती हो मैं इसे उसी तरह गिराऊं जैसे टेक्ना ने गिराया था? नहीं ब्लूम। कोई है? हेल्प मी। एक्सपोलो। कोई मुझे बचाए। प्लीज रोना बंद करो। टिमी। म्यूसा। टिमी, मैं नहीं जानती थी तुम उड़ भी सकते हो। क्या? वैसे तुम क्यूट लग रहे हो। दरअसल ये नहीं उड़ सकता, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो ये। नो। फिर से नहीं करना ऐसा। ओह नो। टिमी, रूम को कुछ हो गया है, शायद ये उस जर्नी की वजह से हुआ है। ये अजीब है। मैं जाकर प्रोफेसर एवलॉन को बुलाती हूँ। मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ प्रोफेसर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंट्रोल कर रहा हो मुझे, और वो काफी खतरनाक भी था। लॉकेट ने सही कहा, सफर करते वक्त तुम पर किसी वायरस का अटैक हुआ है।
तो मुझे इसको खत्म करने के लिए एक स्पेशल स्पेल बनाना होगा ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं वापस रेड फाउंटेन जा रहा हूँ और अगर तुम टेक्ना से मिलो तो उसे कह देना कि मैं उसे ढूंढ रहा था। हाँ जरूर, और मैंने जो किया उसके लिए माफी चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं, चलो फिर मिलते हैं। बाय जिमी। स्टेला, मेरे वापस आने तक तुम्हें ब्लूम का बहुत ख्याल रखना होगा। आप फिक्र मत करें प्रोफेसर, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। और वैसे भी मुझे एक ऐसा स्पेल आता है जो शैडो को दूर रखेगा। चलो चल के थोड़ा मेकअप किया जाए। कुछ और ट्राई करो ब्लू, बल्कि नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। इसे कहते हैं रिलैक्स होना। प्रोफेसर एवलोन अभी तक नहीं आए और तुम लोगों को देख के लगता है कि आप फ्रेश हो चुके हो, तो क्यों ना असली खेल खेला जाए। तुम बताओ क्या ख्याल है गर्ल्स? सॉरी गर्ल्स, पर मेरे पास वक्त नहीं है इस फजूल सी ड्रेसिंग के लिए। मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। ओह नो, शैडो वायरस ने दोबारा ब्लूम पर अटैक कर दिया। हमें प्रोफेसर को फौरन ढूंढना होगा। मैं ब्लूम के पीछे जाती हूँ ताकि वो खुद को चोट ना पहुँचाए या फिर दूसरों को। ओह हेलो लॉकेट, क्या तुम उन बेकार पिक्सीज और फेरीज को छोड़कर मेरे साथ आना चाहोगी? रुक जाओ, तुम बीमार हो, तुम्हें प्रोफेसर एवलॉन के आने तक का इंतजार करना चाहिए। तुम्हें मैं बीमार लगती हूँ क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम हो मेरी वफादार पिक्सी, तुम मेरी मदद करो। हाँ यही है वो, एक सीक्रेट दरवाजा। कहीं ये सीक्रेट आर्काइव में जाने का दरवाजा तो नहीं? प्लान काम कर रहा है और ब्लूम को मैंने अपने कब्जे में कर लिया। मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। और यही है वो, द फॉर्मरली सीक्रेट आर्काइव ऑफ एल्फिया। बू। ब्लूम, क्या ये तुम हो? काफी टाइम बाद आई हो, कैसी हो तुम? तो? थोड़ा ध्यान से काम करो। और तुम कौन हो? मैं लॉकेट हूँ मैम, ब्लूम की बॉन्डेड पिक्सी हूँ मैं। तुमसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। वैसे इस लाइब्रेरी में किस काम से आना हुआ, बताओ ना मुझे। ये बात पुरानी हो चुकी है, आज मैं यहाँ एल्फिया का कोडेक्स ढूंढने आई हूँ। ये तो अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर वो यहाँ होता भी तो तुम्हें क्यों चाहिए? वो इसलिए क्योंकि मैं इसे उसके असली मालिक तक पहुँचाना चाहती हूँ, द शैडो फीनिक्स। वो मेरी डेक्स है। ओह नो, मैं कोडेक्स को किसी के हवाले नहीं होने दूंगी और अपने दुश्मनों को तो खास तौर पे नहीं। अच्छा तो ऐसा है, और तुम्हें लगता है कि तुम जैसी छोटी पिक्सी मुझे रोकेगी? हाँ, 100 सालों में मुझे किसी ने छोटी नहीं कहा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब बताने का वक्त आ गया है कि मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, क्या हो रहा है? बुलाओ किसी को। ठीक है। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या बात है तुम्हारी पिक्सी, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं हर हाल में कोडेक्स को ढूंढ कर ही रहूंगी। कहाँ है सब, मुझे उनको ढूंढना होगा इससे पहले देर हो जाए। हो सकता है मेरा फायर मैजिक कोडेक्स को ढूंढ निकाले। ये सब क्यों कर रही हो? मैं सब कुछ बर्बाद करती रहूंगी जब तक तुम मुझे कोडेक्स नहीं देती। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो उन सब का मैजिक हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। मैं कहती हूँ रुक जाओ। क्या एक खेल खेलना चाहोगी? खैर यहाँ भी बहुत कुछ जलाना बाकी है और मैं बहुत जल्दी में हूँ, शायद ये स्पॉट हो सकता है। यहाँ भी नहीं है वो। बहुत हो गया, बस करो। मुझे कोडेक्स दे दो या तो बर्बादी भुगतो, अब तुम्हारी मर्जी। बचाओ। नहीं, है तो मैं बस नहीं। ये काम करो।
ये तो एक आम सा कीड़ा है, जल्दी करो वरना तुम मेल्ट हो जाओगी। आह, वो कोडेक्स मिल गया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? हाँ नहीं बचोगे, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हाँ, कोडेक्स, अरे नहीं, तुम इतनी आसानी से मुझसे ये बचाकर नहीं ले जा सकते। ओह, वो कोडेक्स। पकड़ लिया। वापस करो, वो मेरा है। हिप्पोकैम्पस, जल्दी चैप्टर 6 में चले जाओ। तो यहाँ हो तुम, वापस आओ। आखिरकार ये मेरा हो गया। आज तो डार्कर देखकर ये खुश हो जाएंगे। लू, शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम कितना खतरनाक काम कर रही हो। क्यों नहीं, बिल्कुल जानती हूँ। इसकी मदद से मेरे मास्टर और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। वाओ, कमाल की जगह है। मुझे नहीं पता था कि हमारे स्कूल में ऐसी जगह भी हो सकती है। विंग्स, फोकस रखो, ये समर कैंप नहीं है। और ब्लूम के चेहरे से देखकर लगता है कि वो बड़ी मुसीबत में है। हम ब्लूम, क्या तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ फ्लोरा। मुझे एक बात बताओ ब्लूम, क्या तुम्हारे हाथ में एल्फिया का कोडेक्स है? हाँ, अगर तुम लोगों ने इससे ये कोडेक्स वापस नहीं लिया तो हम लोगों के साथ साथ मैजिक और एल्फिया सब खतरे में पड़ जाएगा। अगर ये सब डार्कर की चाल है तो हम पे छोड़ दो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चलो अब चलें। लैला रुको, मैं उससे बात करती हूँ। ब्लू प्लीज, हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं थक गई हूँ तुम्हारी झूठी तारीफें सुन सुनकर, और तुम और तुम्हारे दोस्तों की बेकार लड़ाइयों को भी देखकर। तुम सब बेकार हो। फ्लोरा, ब्लूम की बातों का बुरा मत मानो, वो इस वक्त रियल ब्लूम नहीं है। डार्कर ने अपने इविल मैजिक से इस पर कंट्रोल कर लिया है। बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही है। अगर ब्लूम पे शैडो स्पेल का असर हुआ है तो शायद सनलाइट थेरेपी इसे ठीक कर सकती है, इसके ब्लैक शैडो का असर फाइट करने के लिए। उन्हें थोड़ी देर और रोक के रखो मेरे प्यारे जासूस, घर बहुत रास्ते में ही है। अच्छी कोशिश थी स्टेला। क्या, कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? तैयार हो? अगर भागना चाहते हो तो भाग सकते हो। बस बहुत हुआ सुनी, तुम्हारी खैर नहीं। स्टेला सोलो फ्लेयर। ये क्या? ओ नहीं, ये हुई ना बात। ये क्या? क्या हुआ विंग्स? तुम्हें लगा कि तुम मुझे आसानी से हरा दोगी? अब दोबारा क्या तुम्हें सबको बर्बाद कर दूंगी। ब्लूम, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, हम सब। ये क्या किया तुमने? हम सब चाहते हैं कि डार्कर की इविल मैजिक का असर खत्म हो जाए। ओह लॉगेट, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। हाँ? कम ऑन ब्लूम, तुम्हें इस कोडेक्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारा मतलब ये? अरे नहीं, ये सिर्फ मास्टर डार्कर का है। लॉगेट, तुम मेरी बॉन्डेड पिक्सी थी, तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं, मैंने तुम्हें धोखा नहीं okay, दिया। हमें हर हाल में कोडेक्स वापस लेना होगा। थैंक्स, हमारे स्कूल को बचाओ। अब ये क्या है? मुझे फ्लावर्स पसंद नहीं है, खास तौर पर ये मेरा लुक खराब कर रहे हैं। ओ नहीं, अब क्या करें? अब वक्त है उसे म्यूजिक सुनाने का। ओ नहीं, मेरी लाइब्रेरी तबाह हो रही है। बहुत मजा आया तुम्हारा अटैक देखकर। बहुत हुआ ब्लूम, खेल खत्म। पावर बॉल। पिंक बबल्स, हम यहाँ बॉल से खेलने के लिए आए हैं क्या? ये बच्चों का खेल है। उसकी पावर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑनेस्टली हम उसका मुकाबला किसी सूरत नहीं कर सकते हैं। जो भी है, मिस ड्रैगन ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। इस बार तो जीत मेरी ही होगी। सनवेव सुपरनोवा। तुम्हारी खैर नहीं विंग्स, फाइट फायर विद फायर।
मैं कहाँ हूँ? क्या स्मेल ने काम किया? ब्लूम कहाँ है? कहीं मैंने उसे जला कर राख तो नहीं कर दिया? वो देखो, ये ले जाओ प्यारे बर्ड, इसे मास्टर को दे दो। वंडर है प्रोफेसर, जल्दी करें। जितना जल्दी हो सका मैं करूँगा, लेकिन बताओ चल क्या रहा है और अभी है कहाँ ब्लूम? वो ऊपर है प्रोफेसर। सही वक्त पर आए हैं प्रोफेसर, आप भी मजा चखेंगे मेरी पावर्स का। चलो देखते हैं। सेमनियोफेलिक्स डेसिनो। उसे पकड़ो, वो गिर जाएगी। ब्लूम, इसे यहीं आराम से नीचे लेटे रहने दो। मैं कहाँ? ब्लूम, मैं कहाँ हूँ? ये सब किसने किया? तुम पर अटैक हो गया था एक खतरनाक शेडो वायरस का, और हो सकता है ये वायरस तुम्हें उस वक्त ट्रैवल करते हुए लगा है, लेकिन अब सब ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने प्रोफेसर, क्या मैं बीमार हो गई हूँ? मेरे इस मैजिक वॉन्ड ने तुम्हारे स्पेल को खत्म कर दिया है, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ काश ये मेरे पास पहले होता। इसमें आपका कोई कसूर नहीं, अगर आप नहीं आते तो ये लाइब्रेरी कचरे का ढेर बन जाती। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, लगता है कुछ बुरा हुआ है। प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm so sorry। कोई बात नहीं, हम जानते हैं वो तुम नहीं थी, हम समझ सचा रहे थे। शायद मुझसे कुछ गलत हो गया है, क्या वो कोडेक्स? खैर, तुम्हें अब उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें फेरागोंडा को बताना होगा कि कोडेक्स चोरी हो गया है। मुझे वो वापस ला नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परेशान मत हो ब्लू, हम सब मिलकर उसे लेकर आएंगे। मुझे सिर्फ एक ही बात याद है, लुकेट, तुम एक बहुत बहादुर पिक्सी हो, मुझे फखर है तुम पर। कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। अटेंशन एवरीवन, मेरी बात सुने, अब आर्काइव की लोकेशन बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रही है, तो हम सबको मिलकर इस जगह की सफाई करनी होगी। लगता है किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जानते हैं कि हमारी ब्लूम हमसे कभी ऐसा नहीं बोल सकती। हाँ, लेकिन एक चीज थी जो मुझे बहुत फनी लगी। मैं जानती हूँ कि टिमी कभी कभी बहुत तंग करता है, लेकिन तुमने उसे उल्टा क्यों लटका दिया था आखिर? इसका जवाब तो डार्क ब्लूम के पास होगा, क्योंकि इस वाली ब्लूम के पास तो कोई जवाब नहीं है। बहुत बातें हो गई, अब काम करो। कलबोर्ग, वेल डन माय पेट, कोडेक्स का थर्ड पार्ट भी मेरा हुआ, और वो वक्त दूर नहीं जब फोर्थ पार्ट भी मेरा होगा। विंग्स है ऐसा एक जा